हेलो फ्रेंड्स, आज है संडे 1 मई 2022 और इस वीडियो में बात करेंगे एलएनटी फाइनेंशियल होल्डिंग्स के शेयर को लेकर। दोस्तों, एलएनटी फाइनेंशियल होल्डिंग ने Q4 का रिजल्ट अनाउंस किया और कंपनी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। साथ ही प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी इस कंपनी में बढ़ाई है, वहीं म्यूचुअल फंड्स और FIIs ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी गिराई है। तो क्या किया जा सकता है एलएनटी फाइनेंशियल होल्डिंग्स के शेयर में? एलएनटी फाइनेंशियल होल्डिंग के शेयर ने फ्राइडे के दिन 87 रुपये 55 पैसे पर क्लोजिंग दिया और ऐसे में इस शेयर को कैसे प्ले किया जाए? शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स इस शेयर में क्या कर सकते हैं, क्या है इस शेयर से रिलेटेड कुछ की इन्फॉर्मेशन, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और साथ ही रिजल्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि शेयर और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियोज़ मैं इस चैनल पर डालता हूँ। दोस्तों, पिछले 1 साल के प्राइस एक्शन मूवमेंट को देखें अगर एलएनटी फाइनेंशियल होल्डिंग्स का, तो 59 रुपये 40 पैसे का लो प्राइस और 99 रुपये का हाई प्राइस इस शेयर ने दिखाया। और ये जो 59 रुपये 40 पैसे का लो प्राइस है, ये मार्च के महीने में इसी साल शेयर ने दिखाया था और मुझे लगता है वो एक बहुत अच्छा लेवल था इस शेयर में एंट्री करने के लिए। वहाँ से शेयर ने बहुत बड़ा जंप भी दिखाया है, तो जिन लोगों ने इस प्राइस पे एंट्री की होगी उनको तो अच्छा मुनाफा हुआ होगा। पर अभी के प्राइस पे क्या किया जाए वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। जहाँ पिछले 1 साल में सेंसेक्स ने 14.66% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, एलएनटी फाइनेंशियल होल्डिंग्स ने -1.17% का रिटर्न दिया है। तो पिछले 1 साल में शेयर का ओवरऑल परफॉर्मेंस तो अच्छा नहीं रहा है, पर आगे क्या किया जाए वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों, वॉल्यूम की बात की जाए तो शेयर के वॉल्यूम में कभी कमी नहीं आती। फ्राइडे के दिन यानी 29 अप्रैल को भी 1,58,55,453 शेयर्स का ट्रेड हुआ NSE पे। ये शो करता है कि लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट है इस शेयर में, इसीलिए इतना हाई वॉल्यूम देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर एलएनटी फाइनेंशियल होल्डिंग्स की बात की जाए तो इसका जो पी है वो 21.86 का है, जो कि इंडस्ट्री एवरेज से ऊपर है। इंडस्ट्री एवरेज है 8.62 का, तो पी ऑन द हायर साइड है। अगर मैं एलएनटी फाइनेंशियल होल्डिंग्स की बात करूँ, रिटर्न ऑन इक्विटी 4.99% का है। अगर मैं शेयर की बात करूं एलएनटी फाइनेंशियल होल्डिंग्स की, तो लार्ज कैप स्टॉक है, मार्केट कैप है 21,920 करोड़। एलएनटी फाइनेंशियल होल्डिंग्स के शेयर का अगर डिलीवरी वॉल्यूम को चेक किया जाए दोस्तों, तो पाएंगे कि फ्राइडे के दिन डिलीवरी में इंक्रीज देखने को मिला है 11.93% का ओवर 5 डे एवरेज। तो एक तो शेयर का ट्रेडिंग वॉल्यूम काफ़ी हाई है और डिलीवरी भी अच्छा खासा है, 45,28,000 शेयर्स का डिलीवरी हुआ है 29 अप्रैल को। 5 डे एवरेज भी अच्छा है, 40,45,000 शेयर्स का है। तो डिलीवरी में भी लोग शेयर को उठा रहे हैं एलएनटी फाइनेंशियल होल्डिंग्स का और अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं। अब मैं डायरेक्टली रिजल्ट पे आना चाहता हूँ फ्रेंड्स, और जो लेटेस्ट रिजल्ट है Q4 का, उसमें आप देखिए नेट प्रॉफिट में बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट है 342,24,00,000 रुपये का, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आप सेम क्वार्टर में लास्ट ईयर देखें तो कंपनी ने 266,85,00,000 रुपये का प्रॉफिट किया था। तो एक बहुत बड़ा जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट। अगर आप क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे भी देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में एक जंप देखने को मिला है, और ये जो जंप है ये अच्छा पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है रिजल्ट के बारे में। वहीं अगर मैं नेट सेल्स की बात करूँ तो नेट सेल्स है 2,946,78,00,000 रुपये का, जो कि पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा कम है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कम है, लेकिन कंपनी ने बाजी मारी है कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में, और ये बताता है कि कंपनी ने अच्छा रिजल्ट प्रेजेंट किया है। नेट प्रॉफिट में बहुत बड़ा इंक्रीज देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ये था रिजल्ट, जो लेटेस्ट रिजल्ट मार्च क्वार्टर का, Q4 का। अब मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करना चाहूँगा और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है मार्च क्वार्टर में। देखिए, जहां प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 63.50% की थी, दिसंबर क्वार्टर में वो बढ़ के 66.26% पे आ गया। तो 2.76% का बड़ा जंप देखने को मिला है प्रमोटर्स के हिस्सेदारी में। वहीं FIIs ने अपनी हिस्सेदारी गिराई है, 7.86 की हिस्सेदारी 6.91% पे आ गया, और म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़ा कट किया है, 1.95% की हिस्सेदारी 0.56% पे आ गई। तो म्यूचुअल फंड ने 1.39% का बड़ा कट किया है, उन्होंने शेयर को ऑफलोड किया है। और ये तो कुछ पॉजिटिव बातें हैं, जहां प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा दी है, वहीं म्यूचुअल फंड और FIIs ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी गिराई है।
मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में थोड़ा बहुत और डिस्कस करूंगा। 102 एफआईज ने इसमें अपना पैसा लगाया है, हिस्सेदारी है 6.91% की, और म्यूचुअल फंड की 9 स्कीम्स में इसे अपना पैसा लगाया है, हिस्सेदारी है 0.56% की। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है 15.07% की, और प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग है लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, जिसकी हिस्सेदारी है 66.26% की। तो ये था शेयर होल्डिंग पैटर्न। रिजल्ट मैंने बता दिया, रिजल्ट कंपनी का अच्छा है, आउटस्टैंडिंग भले ना हो पर कंपनी का रिजल्ट अच्छा है। ऐसे में शेयर में क्या किया जाए वो मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा, पर पहले कंपनी के वेबसाइट पे जाते हैं और जानते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो अगर एलएनटी फाइनेंशियल होल्डिंग्स की बात की जाए दोस्तों, तो ये उन सारे कामों में इन्वॉल्व है जो इंडिया के ग्रोथ स्टोरी से लिंक है। अब देखिए ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी करती है टू व्हीलर फाइनेंस, ये फार्म इक्विपमेंट फाइनेंस करती है, ये माइक्रो लोन्स देती है, ये हाउसिंग फाइनेंस देती है, ये रियल स्टेट फाइनेंस करती है, ये इंफ्रा फाइनेंस करती है, ये म्यूचुअल फंड के बिजनेस में है, ये स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस लोन्स प्रोवाइड करती है, और ये कंज्यूमर लोन्स प्रोवाइड करती है। तो अगर मैं बात करूँ कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, तो बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। इनका जो बिजनेस है वो ऐसा है जिसका ज़रूरत एक कॉमन मैन को भी है और बड़े लोगों को भी है। तो मुझे लगता है कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, और कंपनी एलएनटी ग्रुप की एक नामी कंपनी है, एलएनटी ग्रुप एक प्रेस्टीजियस ग्रुप है। तो एलएनटी फाइनेंशियल होल्डिंग्स का भविष्य अच्छा है, पर शॉर्ट टर्म में शेयर में थोड़ा पेन देखने को मिल रहा है। तो इस शेयर में क्या किया जाए वो मैं आपको अब बताता हूँ। तो मुझे लगता है दोस्तों इस शेयर को दो तरह से प्ले किया जा सकता है। जो मैं करता हूँ इस शेयर में प्ले, वो इस तरह से करता हूँ कि मैं एलएनटी फाइनेंशियल होल्डिंग्स का कुछ शेयर शॉर्ट टर्म के लिए खरीदता हूँ, जहाँ मेरा टारगेट रहता है 10 से 15 रुपये का गेन। जब भी गिरावट होती है मैं इस शेयर को खरीदता हूँ, और मैं कुछ शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए रखता हूँ, जिसमें मेरा जो मैं चाहता हूँ कि मुझे कम से कम 30 रुपीज़ के आसपास का गेन हो। तो दो तरह से इस शेयर को प्ले किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स नीचे के लेवल में इस शेयर को खरीद के 10 से 15 रुपये का गेन ले सकते हैं, और लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स 30-40 रुपये के गेन के लिए भी इसको टारगेट कर सकते हैं। एलएनटी फाइनेंशियल होल्डिंग्स के शेयर की एक खास बात जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि जिस दिन ये चलता है उस दिन ये बड़ा मूव देता है, 5%, 7%, 8%, 10% तक का मूव ये दे देता है, और ये टूटता भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी मार्केट में जिस तरह की वॉलीटिलिटी है, जिस तरह का यूएस का मार्केट फ्राइडे को भी क्रैश हुआ, मुझे लगता है ये शेयर नीचे के प्राइस लेवल्स भी दिखा सकता है। मुझे लगता है रिजल्ट के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ऐसे में अगर ये शेयर 80 रुपये के आसपास मिले या उसके नीचे मिले, तो मुझे लगता है वो एक अच्छा रेट होगा इस शेयर को एक्यूमुलेट करने के लिए। और जब इसमें तेज़ी आएगी तब शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स इसमें मुनाफा बुक कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स 100 रुपीज़ के ऊपर जाने पर ही इस शेयर में प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। तो मुझे लगता है एलएनटी फाइनेंशियल होल्डिंग्स का शेयर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ट्रेडर्स के लिए अच्छा है। डिपेंड करता है कि आप इस शेयर को कितना दिन होल्ड कर सकते हैं, और लोअर लेवल्स में इसको एक्यूमुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद इस शेयर में ट्रेड करता हूँ, मैं ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, और मेरा एक पसंदीदा स्टॉक है, क्योंकि 100 रुपीज़ से नीचे एनबीएफसी स्पेस में इतना अच्छा कंपनी मुझे और कोई नज़र नहीं आता। तो एलएनटी फाइनेंशियल होल्डिंग्स मेरा एक पसंदीदा बेट है, और जैसा कि मैंने बताया कि जिस तरह का वॉलीटिलिटी है मार्केट में, ये शेयर नीचे भी जा सकता है, तो उस सिचुएशन में इस शेयर को एक्यूमुलेट किया जा सकता है। दोस्तों अगर आप एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो आप जीरोधा को कंसिडर कर सकते हैं। जीरोधा इंडिया की नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर है, और जीरोधा का एक फीचर है एनालिटिक्स का, जहाँ आप अपने पोर्टफोलियो में किस सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं सारी चीज़ें बता देती है। देखिए यहाँ पर मैं एक पोर्टफोलियो दिखा रहा हूँ, जहाँ फाइनेंशियल्स में 66.6% की इन्वेस्टमेंट है, इंडस्ट्रियल में 13.67% का, मटेरियल्स में 5.11, 2.719% का इन्वेस्टमेंट है, रियल स्टेट में। तो आपका पोर्टफोलियो का क्या बैलेंस है ये जीरोधा बता देता है। जीरोधा का प्राइसिंग भी काफ़ी अच्छा है, साथ ही जीरोधा ये भी बता देता है कि आपने किस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है, आपने लार्ज कैप में कितना किया है, मिड कैप में कितना किया, स्मॉल कैप में कितना किया। तो ये जो एनालिटिक्स पार्ट है जीरोधा का, जो एक फीचर, और ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जीरोधा में, वो काफ़ी मदद करता है इन्वेस्टर्स को। तो जीरोधा में अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, साथ ही आप म्यूचुअल फंड भी खरीद सकते हैं जीरोधा के थ्रू। तो ये मेरा असेसमेंट था एलएनटी फाइनेंशियल होल्डिंग्स के बारे में, और अगर आपको वीडियो
पसंद आए तो एक थम्स अप दे देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।